देखिए पहाड़ियों के कोपचे में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से सामने देखिए पूरा पहाड़ व्हाइट व्हाइट देखने को मिला है। मैं एक बार छोड़ दिया इसमें। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं आई लव सेंचाल, जो कि अगर आप टाइगर हिल से होकर आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। रास्ते में लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे की तरफ उतरते हैं तो आई लव सेंचाल देखने को मिलेगा। हम लोगों की नज़र यहां पर पड़ी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पर आप थोड़ा सा आधे घंटे के लिए यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ पर बागीचा गार्डन वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाया गया, काफ़ी लोग जो ऊपर की तरफ जाते हैं टाइगर हिल्स पर सनराइज को देखने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आए। फिलहाल मलिक सर जो कि फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए आई लव सेंचाल के पास पहुँच चुके हैं और मैं अपने कैमरा को ओपन कर रखा है ताकि हमारे सर का एकदम फ़ोटो गजब आए, क्योंकि ये फ़ोटो बनाने में माहिर है। और सामने देखिए एकदम बर्फीले पहाड़, आपको खूबसूरत खूबसूरत सा मतलब दिल खुश हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ से हम लोग छोड़कर एकदम सुकून यहाँ पर पा लिए हुए। तो अगर यहाँ पर आते तो आपको कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ सोचता मन करता है कि कितना घूमे, कहाँ कहाँ पर जाए, क्योंकि ना गर्मी है, एकदम नॉर्मल सा मौसम रहता है, ठंड रहती है, आराम से कपड़ा डाले और घूमते रहे तो कितना ही घूमे आपको मन नहीं भरेगा। तो मलिक सर वगैरह कुछ बोल रहे कि यहाँ से फ़ोटो लो, वहाँ से फ़ोटो लो, ऐसे मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ से वीडियो अच्छा आएगा, यहाँ से फ़ोटो अच्छा आएगा। तो मैं आपको कुछ इस तरीके का, देखिए लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकालते हैं पहाड़ पर बैठ करके और सामने का व्यू जो है मतलब दिल खुश हो जाता है इंसान का। जो चीज़ देखने के लिए, नेचुरल को देखने के लिए आता है ना, वो सच में आपको दार्जिलिंग में आने के बाद मिल जाता है। और हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया, हालांकि फ़िलहाल अभी तो हम लोगों का सिलसिला चल रहा है और अभी बहुत सारा चीज़ दिखाने का बाकी है, फिर भी बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूम कर। चलिए सर, चलिए चलिए मलिक सर, फोटो 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 करके परेशान हो गए हैं। वीडियो 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 हमारा काम वीडियो का, इनके काम फोटो का। तो हम भी अभी लोग निकल रहे थे टाइगर हिल्स से, जैसे आप आते थे आपको रास्ते में आई लव सेंचाल, तो यहाँ पर भी मतलब सेल्फी पॉइंट बनाया गया और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला, जो पहाड़ व्हाइट वाला जो है, और एक कोने में जो हिमालय भी आपको देखने को मिला। थोड़ा सा अभी निकल रहा है, इस कोने में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मतलब जैसे लौटेंगे वहाँ से टाइगर हिल से, तो आप यहाँ पर थोड़ा रुक करके थोड़ा फ़ोटो वगैरह जो सेशन वगैरह वो कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं पहाड़ के साइड से, तो ये सब यहाँ पर काम कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पार्क वगैरह जो है वो भी है, जो गार्डन वगैरह फूल वगैरह का, वहाँ पर भी जाकर घूम सकते हैं। तो ये सब तभी हो सकता है जब आपके प्राइवेट गाड़ी होगी, तो आप जगह जगह रुकवा कर उसको आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जितना तो टाइम गुजारना है वहाँ पर उतना टाइम गुजार सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी गाड़ी जो भी हो आपके पास तभी कर सकते हैं, शेयरिंग से आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, हर जगह वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग लाइन लग चुके हैं फ़ोटो निकालने के लिए आई लव सेंचाल के पास। तो मतलब यहाँ पर हर जगह सोचते हैं कि एक वीडियो हमारा हो जाएगा, एक वीडियो हमारा हो जाएगा, जगह ही ऐसा है ना, हम लोग मतलब आए दूसरी जगह से और ये मौसम देखकर बहुत दिल खुश होता है। हमारी गाड़ी निकल चुकी है और देखिए हर जगह छोटे छोटे पहाड़, कुछ लोग पैदल ही सफ़र कर रहे हैं क्योंकि सुबह का मौसम है और बहुत ही आनंद आता है जब सुबह में फ्रेश एकदम मौसम है, आदमी का माइंड फ्रेश रहता है और समझिए कि वॉकिंग भी आपका हो जाता है। तो और धीरे धीरे कदमों से आप घूम लेते हैं और अपनी जगह तक भी पहुँच जाते हैं। और देखिए मौसम बहुत ही मस्त है और हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है और देखिए थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह का पहाड़ देखने को यहाँ पर मिलने वाला।